जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट्स एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन भिलाई की चीफ और इनकी टीम द्वारा बाबा बालकनाथ मंदिर खुर्सी पार के पास जरूरतमंद और असहाय लोगों को ठंड से बचाने कंबल का वितरण किया गया। जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बार फिर मानवता का परिचय देते हुए रविवार को बाबा बालकनाथ मंदिर खुर्सीपार परिसर के इर्द गिर्द मांग कर अपना जीवन यापन करने वाले जरूरतमंद और असहाय लोगों को ठंड से बचने के लिए कंबल का वितरण किया। साथ ही लोगों द्वारा ऑर्गेनाइजेशन की चीफ से अन्य जरूरी सामानों की मांग भी की गई, जिस पर जल्द ही उस जरूरत के सामानों की उपलब्धता कराए जाने का भरोसा भी ऑर्गेनाइजेशन की चीफ एवं पूरी टीम द्वारा दिलाया गया। भिलाई शहर ऐसे भी अपनी जनसेवा और समाज सेवा के लिए जाना जाता है और यहाँ जहाँ हर मुसीबत के मौके पर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद के लिए सदैव तत्पर नजर आता है। जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट एंड पीस ऑर्गेनाइजेशन भिलाई की चीफ ने उनके और उनकी टीम द्वारा किए गए इस पुनित कार्य के पीछे के उद्देश्य को ग्रैंड एशिया न्यूज से साझा किया। मैं कविता रंगारे जस्टिस फॉर ह्यूमन राइट से हूँ। मैडम, एक आज आप लोगों ने यहाँ कंबल वितरण किया, क्या संदेश देना चाह रहे हैं? मैं यहाँ से कई बार गुजरी हूँ तो मुझे लगा कि ये लोग ठंड में मतलब घुटो रहे थे, तो उससे मेरे को ऐसा लगा कि इनको ज़रूरत है कंबलों की, तो मेरी संस्था की तरफ से मैंने इन लोगों को कंबल आज दिया है। अगर इंसान का दर्द ना समझ सके तो इंसान नहीं है, तो मैंने सोचा कि हम लोग इन लोगों की जितनी बन सके मदद कर सके, और इन लोगों ने कुछ मांग की है मुझसे, तो मैं चाहूँगी कि इनकी जो मांगे हैं जल्दी अपने तरफ से कोशिश करूँगी कि इनकी मांगे मैं पूरी कर सकूँ। आज भिलाई शहर में ऐसे ही समाज सेवी संस्थाओं एवं समाज सेवी द्वारा खुलकर जरूरतमंदों की मदद की जा रही है, जिससे लगभग प्रतिदिन मानवता की मिसाल पेश की जा रही है। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।